औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए बंगाल की सरजमीन से एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बंगाल के उपचुनावी दंगल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने TMC भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हरा कर वहाँ पर अपनी धमाकेदार जीत को दर्ज कर लिया है। जी हाँ, बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने आज सुबह सुबह वहाँ पर बेहतरीन जीत दर्ज करते हुए वहाँ की सियासी समय को अब बदल दिया गया है, क्योंकि मजलिस ने जिस तरह हाथ से यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में हिस्सा लिया और वहाँ के उपचुनावी दंगल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी की TMC पार्टी, कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ते हुए वहाँ पर अपनी धमाकेदार जीत को दर्ज करते हुए उन्होंने वहाँ की सरजमीन पर अपना परचम लहरा दिया है। क्योंकि आज जिस तरह से बंगाल के उपचुनाव को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारा था, जिसके बाद से वहाँ पर TMC की जानिब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आवाम ने मजलिस का साथ दिया और आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को अपनी सराखों पर बिठाया और आज उसी की बदौलत आवाम की एक मुत्तहदा तौर के ऊपर मजलिस को साथ देने के लिए वहाँ पर उनका जिस तरह से मजलिस को साथ मिला, आज उसी की बदौलत बंगाल की सरजमीन पर मजलिस ने वहाँ पर अपनी जीत दर्ज की और मजलिस का परचम अब बंगाल में भी लहराया है और आने वाले हर चुनावी दंगल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का ये कहना है कि हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे और आवाम भी मजलिस का साथ बाखूबी तौर पर दे रही है। तो आप सब मिलकर ऐसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ जुड़े रहें। मजलिस से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को देखने, जानने, पहचानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल